स्टेट के सामने आपको पेश किया जाएगा, उस बीच पुलिस आपके साथ कुछ मारपीट ना करे, ये आपके लिए सिक्योर हो जाएंगे आप इस बात से। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पुलिस गिरफ्तारी पर आपके अधिकार। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करती है और आपके साथ कुछ गलत कर देती है, और आपको अपने अधिकार मालूम ना होने की वजह से आप उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपको अपने अधिकार मालूम होने चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं पुलिस गिरफ्तारी के वक्त या फिर पुलिस गिरफ्तारी के बाद। तो दोस्तों, आपके पास सबसे पहला जो अधिकार है, जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है और आपने कुछ क्राइम ना किया हो या फिर आपको उस क्राइम के बारे में ना मालूम कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आप पुलिस से ये पूछ सकते हैं कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और पुलिस को ये बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार कर रही है पुलिस। ये दोस्तों आपका राइट है। उसके बाद दूसरा दोस्तों, जो राइट की बात करें, जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करे तो आपको सबसे पहले अपना एक अरेस्ट मेमो बनवा लेना चाहिए। दोस्तों, अरेस्ट मेमो क्या होता है? अरेस्ट मेमो एक बेसिकली एक पेपर आता है, उस पर पुलिस को लिखना होता है कि आपको किस टाइम पे गिरफ्तार किया जा रहा है, किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, जो आपको गिरफ्तार कर रहा है उसकी पोस्ट या रैंक क्या है, उसका नाम क्या है। उसके बाद दोस्तों, जिसके सामने आपको गिरफ्तार किया जा रहा है उसका सिग्नेचर लगेगा, पुलिस का सिग्नेचर लगेगा, आपका लगेगा। ये दोस्तों अरेस्ट मेमो होता है, इसको बनवाने से आपको काफ़ी फायदा होता है। उसके बाद दोस्तों, जो तीसरा राइट आता है वो ये है कि जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर ही आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना होता है। ये आपका अधिकार है। अगर पुलिस आपको 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं करती है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अरेस्ट मेमो बनवा लिया होगा तो इसमें आपको फायदा मिलेगा, 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना होगा पुलिस को मजिस्ट्रेट के पास। क्योंकि कई मामलों में ऐसा हो जाता है कि पुलिस आपको 3-4 दिन तक रखती है, उसके बाद छोड़ देती है, और आप कहते हैं कि हमको 3-4 दिन तक रखा गया। तो दोस्तों, ये इसलिए क्योंकि आपको अपने राइट्स मालूम नहीं थे। उसके बाद दोस्तों, हम नेक्स्ट बात करें, जब भी पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है तो आपके पास ये अधिकार है कि अगर आपसे पुलिस कुछ पूछ रही है तो आप उनसे ये बोल सकते हैं कि पहले आप अपने वकील से बात करेंगे, उसके बाद ही आप उनको कुछ जवाब देंगे। ये भी दोस्तों आपका एक अधिकार ही होता है। और दोस्तों, एक अधिकार तो ये भी है कि जब भी आपको पुलिस कहीं बाहर से गिरफ्तार करती है तो आपके घर वालों को उसे 12 घंटे के अंदर ही सूचित करना होता है कि आपको गिरफ्तार किया गया है और आप इस टाइम इस पुलिस स्टेशन में हैं। और दोस्तों, यदि आप कोई महिला हैं तो आपको शाम 6 बजे के बाद या सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जब तक कि आपने बहुत संदिग्ध अपराध ना कर दिया हो। क्योंकि अगर आपने बहुत संदिग्ध अपराध कर दिया होगा तो फिर आपको तो अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो फिर आप कुछ सीरियस क्राइम भी कर सकते हैं। बट इसके लिए जो है पुलिस को मजिस्ट्रेट से रिटर्न में अप्रूवल लेना होता है कि आपको गिरफ्तार किया जाना है। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट राइट की बात करें तो जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आपको जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले आप उनसे बोल सकते हैं अपने मेडिकल के बारे में, क्योंकि जब भी पुलिस आपका मेडिकल करवा देगी तो फिर एक बार आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, उसके बाद जब दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा उस बीच पुलिस आपके साथ कुछ मारपीट ना करे, ये आपके लिए सिक्योर हो जाएंगे आप इस बात से। तो दोस्तों, ये थे कुछ आम अधिकार जो आप सबको पता होना चाहिए पुलिस गिरफ्तारी के वक्त या पुलिस गिरफ्तारी के बाद। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, पुलिस आपके साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएँ, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।